एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे राहु इन फिफ्थ हाउस। क्या होता है जब किसी इंसान का राहु, जो एक शैडो प्लैनेट है जिसको छाया ग्रह बोलते हैं, वो उसके फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस होता है आपकी हायर एजुकेशन। जितने भी आप डिग्रीज लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो हायर स्टडीज होती है हमारी, वो हमारा फिफ्थ हाउस दिखाता है। साथ ही साथ हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, फिफ्थ हाउस दिखाता है। हम कितनी ज़्यादा हमको रिलैक्सेशन मिलता है, कितना हमको पार्टी का टाइम मिलता है, कितना हमको मज़े करने का टाइम मिलता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, ये हमको फिफ्थ हाउस बताता है। हमारे अफेयर्स के बारे में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में, ये हमको फिफ्थ हाउस बताता है। यहाँ पे जब राहु आ जाए, राहु क्या है, राहु एक शैडो प्लैनेट है, वो एक तरीके से एक एक्सप्लोजन है। जहां पे भी वो बैठता है, वो उस हाउस के लॉर्ड की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एरीज में है तो वो मार्स बन जाएगा, अगर वो लियो में है तो वो सन बन जाएगा। तो राहु कॉपी करता है उस लॉर्ड को जहां पे वो बैठता है। राहु सडन चेंज दिखाता है, राहु हमको दूसरी तरीके की चीजों का इंटरेस्ट दिखाता है, फॉरेन लैंग्वेज में, फॉरेन जगहों का, फॉरेन पार्टनर का, वो हमको उस जगह पे इंटरेस्ट दिखाता है। एकदम अनोखी चीजें, यूनिक चीजें, अनऑर्थोडॉक्स, जो बाकी लोग फॉलो नहीं करते हैं, वैसे काम राहु फॉलो करता है। तो जब इस प्लेसमेंट पे राहु आता है, सबसे पहली बात, इस इंसान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये जहां पे भी जाते हैं उस जगह के ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। फोटोज लेने का इन लोगों को बहुत शौक होता है, पब्लिसिटी का बहुत शौक होता है, फेम का बहुत शौक होता है। ये चाहे अपनी फैमिली में हो, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, जहां पे भी हो, जो भी इनका सोशल सर्कल होगा, वहां पे ये लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्योंकि ये पोजीशन राहु की फेम और एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिखाती है, और आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी के हॉरोस्कोप में राहु की ये प्लेसमेंट दिख जाएगी। यहाँ पे इस इंसान को एजुकेशन का बहुत ऑब्सेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के लिए इसकी एजुकेशन को कंप्लीट करना, स्पेशली हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके अपने स्टेटस के लिए, इनके अपने एक सुकून के लिए। दूसरा, ये लोग अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ही क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जैसे आपने कुछ पेंटिंग्स देखी होगी, जब आप उनको देखेंगे आपको एकदम से वो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये कभी भी कुछ क्रिएटिविटी करेंगे तो इस टाइप की क्रिएटिविटी करेंगे कि लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। चाहे वो पेंटिंग हो, पोएट्री हो, कोई और आर्ट फॉर्म हो, फोटोग्राफी हो, जो भी ये क्रिएटिव काम करेंगे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वैसा काम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होगा। ये अपनी जिंदगी में काफी नई चीजें सीखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा टफ चीजें सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये ऐसी कोई पढ़ाई कर सकते हैं जो आमतौर पे बच्चे नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है, ये सारी चीजें जो टफ मानी जाती हैं, वो ये लोग सीखते हैं और उसका यूज करते हैं। ये लोग, अगर इनके अफेयर्स की और इनके डेटिंग लाइफ की बात करी जाए, इनके जो शादी करने से पहले ये काफी लोगों को देखते हैं कि उनके लिए ज्यादा सूटेबल कौन है, क्योंकि ये अपने जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस मामले में, अपनी मैरिड लाइफ के मामले में। तो ये बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, कि मुझे किस इंसान को डेट करना है और किस इंसान को मुझे डेट नहीं करना है। इसीलिए इनके दूसरे रिलीजन से, दूसरे कल्चर से और दूसरे कंट्री से कोई लाइफ पार्टनर होने के भी यहाँ पे आशंका होती है। अगर बच्चों की बात करी जाए, ये अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव और ऑब्सेसिव होते हैं। ये चाहते हैं ये अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट करें। काफी अलग तरीके से ये अपने बच्चों को पालते हैं, काफी अलग उनमें वैल्यूज डालते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे एक अलग ऑब्सेशन, एक यूनिकनेस देता है। तो ये अपने बच्चों को अलग बना के रखते हैं। छोटी सी ही उम्र में हो सकता है उनके लिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते ये लोग लाएं, ताकि वो बाकी बच्चों से अलग दिखें। तो ये एक ऑब्सेशन इन लोगों में होता है। बाकी अगर यहाँ से इनका जो केतु होगा, वो इनके 11th हाउस में होगा, उसकी अगर हम बात करें, तो इन लोगों को काफी वेल्थ मिलती है अपनी लाइफ में, काफी गेन्स होते हैं इनके लाइफ में, मटेरियलिस्टिक गेन्स स्पेशली, चाहे बड़ा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, ज्वेलरी हो, लेकिन बाद में इनका मन अपने उन गेन्स की तरफ से हट जाता है, क्योंकि इनको लगता है उन चीजों से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उन चीजों से इनको कोई फायदा नहीं है, और ये रियलिटी नहीं है लाइफ की।
तो बाद में ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले ये लोग काफी गेन्स एक्यूमुलेट करते हैं, काफी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन उस चीज से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जितने ही बड़े घर में बैठे होंगे लेकिन उदास होंगे, डिससैटिस्फाइड होंगे। तो ये सारी चीजें राहु इन फिफ्थ हाउस दिखाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।